हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हस्बैंड चले गए हैं। सुबह खाना वगैरह मैंने सब बना दिया था तो वो चले गए हैं और आज बच्चे घर पर हैं, स्कूल नहीं गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा स्कूल, तो इसीलिए मैं आज सफाई करने लगी थी। और मैंने सोचा आज डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो फिर जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्योंकि ऋषभ को लेने के लिए जाना होता है। इसीलिए तो आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और मैंने ये सोफ़े वगैरह सब हटा के अच्छे से इन्हें झाड़ दूँगी, क्योंकि गंदे हो जाते हैं ना और रोज़ रोज़ तो साफ़ हो नहीं पाते हैं। तो इन्हें हटा के और झाड़ू वगैरह लगा के पोछा सब लगा दूँगी। इन कामों में ईशु भी मेरी ये काफ़ी हेल्प करा देती है तो काम जल्दी भी हो जाता है। काम करते करते ना थकावट भी बहुत हो गई थी और काफ़ी लेट भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि पूरा ही काम करके ख़त्म करूँगी। और नहाने में भी आज मुझे बहुत लेट हो गया था, तो बस वही कर रही थी। और
और आज ना मुझे पालक का सूप भी बनाना है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ना पालक लेकर आए थे तो उसका सूप भी काफ़ी हेल्दी होता है, तो इसीलिए मैं आज वही बनाऊँगी शाम के टाइम। तो सफाई वगैरह करने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया था और फिर सो गई थी मैं कुछ देर के लिए। तो शाम के टाइम मैंने सोचा पालक है तो उसका सूप बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना साग वगैरह जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो बस ये पालक मैंने धो लिया था और इस फ्राई पैन में प्याज और लहसुन डाल के भूना था और तेज पत्ता भी डाला था। तो इसको ना मैं जार में डाल लूँगी, क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा, मैंने बस इसे कच्चापन दूर करने के लिए इतना ही पकाया है, और इसके बाद में मैं इसको ठंडा कर लिया है और अब इसको ना मिक्सी जार में पीस लूँगी। और तेज पत्ता मैंने हटा लिया है इस समय, और इसको पीसने के बाद फिर उसी फ्राई पैन में मैंने ये देखिए ग्राइंड कर लिया है और इसमें डाल दिया है। अब ये थोड़ा सा ना गाढ़ा हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी और काली मिर्च ये डाल दूँगी, इससे अच्छा टेस्ट आता है और कलर तो इसका बहुत ही अच्छा आ रहा था और पीने में बहुत टेस्टी था। मैंने इसमें ना थोड़ा सा दूध भी डाल दिया था। ये देखिए इसको मैंने बिल्कुल सिम आंच पे रखा हुआ है और इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल दिया था और ये थोड़ा अब पतला हो गया है और पीने के लिए भी एकदम परफेक्ट है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो मैंने, ईशु ने और ऋषभ ने, हम तीनों ने इसे पी लिया था शाम के टाइम। और ये ना इसमें आयरन होता है ना, तो बहुत हेल्दी होता है ये पीने के लिए। और रात के खाने के लिए मैंने ये दाल चढ़ाई है। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।